हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जस्ट अभी उठा हूँ तो ऐसे बस थोड़े बाल वगैरह सेट किए, उड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बाल ना टेक ऑफ कर रहे हैं मतलब, और पीछे से बूंदियाँ वगैरह भी खड़ी हुई थी पहले, वो थोड़ा सेट किया हुआ। और आज भी इतनी मस्त धूप निकली हुई है। आज सुबह सैर करने जाने का प्लान था बट जब टेम्परेचर देखा ना, फिर मैंने कहा रहने ही देते हैं। टेम्परेचर था 2 डिग्री और यहाँ पे 2 था, तो जहाँ पे सैर करने जाते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बात है 0 होता, और वो फील लाइक -2 या 3 होता, तो मैं क्या, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो। मैं क्या, ऐसे इतनी ठंड में भी जाना सही नहीं है। थोड़ी ठंड कम होती है ना आने वाले 1-1.5 हफ्ते में, फिर रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। बहुत देर से शेड्यूल ख़राब हुआ हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी जाना है मेरे साथ। कॉलेजेस तो खुले नहीं कोविड की वजह से ना फिलहाल तक, ट्यूशन सेंटर्स खुले हैं, ट्यूशन भी लटकी गई हुई है एक तरह से, वो भी देखते हैं सब कुछ क्या है। ऊपर तो ना इस टाइम इतनी मस्त धूप हो रही है, ऐसे ज़्यादा देर ना ऊपर भी नहीं देखा जा रहा, सूरज आंखों में लग रहा है। अभी मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा काम वगैरह है वो करता हूँ। अभी मैं जस्ट अभी नीचे आया हूँ, मेरे को थोड़ा काम है, मेरे को बाहर जाना है, बैंक जाना है और थोड़ा सामान लेके आना है मेरे को। एक्चुअली मतलब मन तो था अभी धूप में बैठे, पर ना अगर अभी नहीं गया तो बाद में बैंक का लंच टाइम हो जाएगा, फिर 1 घंटा लेट हो जाएंगे, फिर ना बहुत मतलब कंबर समसा हो जाता है, मतलब हाँ कंबर समसा ही हो जाता है। फटाफट वो भी करते हैं, हमें भी जल्दी होती है कि बैंक बंद ना हो जाए, तो इसलिए अभी चलते हैं काम वगैरह निपटा के आते हैं। भाई साहब यहाँ पे गजब भसड़ मची पड़ी है, उनका ना इस टाइम सामान आ रहा है, मतलब इतना वहाँ स्टार्टिंग के गेट पे इतना रश है ना, और जो मैंने लेना है ना वो मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रहा। मतलब यही होता है स्टोर्स का, जब आप आओ ना आपको सामान चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, इतना ढूंढ ढूंढ के थक जाओ, एंड में ना आपको किसी सर्विस वाले बंदे से पूछना पड़ता है कि भाई किधर है, फिर जाके सामान मिलता है। मैं ना अभी घर पहुंचा हूं। एक्चुअली भसड़ मच गई थी भाई साहब, बीच में गियर की ना तार टूट गई थी, और वीकेंड लॉकडाउन की वजह से, वीकेंड लॉकडाउन भी नाम का ही है यार, मतलब पता नहीं क्या बहुत मिक्सअप चल रहा है, कुछ खुला है कुछ बंद है, कोई बंदा कह रहा है कि नहीं यार है ही नहीं, कोई कह रहा है नहीं लगाया हुआ है, कुछ नहीं क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब क्लियर है ही नहीं, किसी को भी कुछ आइडिया ही नहीं है, मतलब सब अपने तुक्के ही मार रहे हैं। तो मेरी गियर की तार टूटी, जहाँ पे मैं था वहाँ पे एक स्कूटर वाले वो होते हैं वो बंद थे, फिर मेरे को रेड़ते रेड़ते घर के पास लाना पड़ा, यहाँ पे एक अंकल थे वो कर रहे थे, तो उनसे मैंने ठीक करवाया, तो उसमें बैंड बज गई। एक तो जैकेट इतनी मोटी डाली हुई थी ना, तो उसकी वजह से भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी घर आया हूँ, पानी वगैरह पिया, अब जान में जान आई है, अब लंच टाइम। थैंक यू भैया, हाय कर दो एक बारी। नहीं थैंक यू भैया, मजा आ गया, चलते हैं अब घर पे वापस। सो मैं जब से बाहर से आया था ना, तो कुछ मैंने बनाया नहीं था। अभी टाइम देखो 8 बज रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, किसी की ना घर बारात निकल रही थी, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अभी बस मैं बाहर से 2-3 चक्कर वगैरह मार के अंदर आया था, और आज इतना वो सही नान था ना, मज़ा आ गया खा के, बहुत टाइम के बाद ना इतना वो सही नान बना था, और वो जो चटनी का छमका था ना, वो जो देखा होगा जो आग वाला जो था, बहुत मस्त था भाई, बहुत मस्त था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज का टाइटल भी ना फूड ब्लॉगिंग डालूंगा, भाई ने आइडिया दिया है, वही करूँगा। सो गाइज, इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हुआ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो जो नीचे लाल बटन होएगा ना उस पर एक नान फेंक के मारना, ठीक है, और घंटी पे आप चटनी फेंक के मार देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।